Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Helen Sixers, and she belongs to the category of feminist critique in literary theory. Before starting this, I want to tell you that I am explaining all these in bilingual language, Hindi as well as in English. So let's start with her introduction. Helen Sixers is a professor, French feminist writer, poet, playwright, philosopher, literary critic and rhetorician. So, rhetorician वो लोग होते हैं, rhetorician आपने सुना होगा अलंकार हिंदी में. So, ये rhetorics कौन होते हैं जो अपने work में अलंकार को बहुत अच्छे से use करते हैं, उन्हें बोला जाता है rhetorician. Sixers is best known for her article. कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला और जिसका नाम है द लाफ ऑफ द मेड्यूसा. एंड इस वर्क के थ्रू लोग इन्हें जानने लगे या फिर इन्हें एसोसिएट करने लगे कि ये जो है अर्ली थिंकर है पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म की. इनका जो जन्म है 5 जून 1937 में हुआ था. एंड अल्जीरिया में एक जगह है ओरान, वहाँ इनका बर्थ हुआ था. Now, and she's influenced by Jacques Derrida, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Maurice Blanchot. So friends, ये जो है इन सारे writers से काफ़ी ज़्यादा influence है. And मैंने इन सब पर जो है Jacques Derrida, Sigmund Freud, Jacques Lacan, इन सब पर separate video lecture बना रखा है. So आप मेरे channel की playlist में जाकर सुन सकते हैं. Now let's talk about her work. And this is the most famous work of Helen Sixers, and the name of work is Laugh of Medusa. And ये जो है originally French language में लिखा गया था, बाद में इसे English में translate किया गया. So इसमें Helen Sixers emphasize करती है इस article में कि women को जो है उन्हें पूरा right दिया जाना चाहिए कि वो अपना writing में जो है career को pursue कर सकें, बजाय कि उन्हें धकेला नहीं जाना चाहिए उन इस career से, बल्कि उन्हें जो है पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपना राइटिंग में मतलब करियर जो है परस्यू कर सकती हैं. वुमेन शुड परस्यू राइटिंग डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू ड्राइव देम अवे फ्रॉम द फील्ड इन द पास्ट. एंड नाउ वो बात करती हैं इंडिविजुअलिटी पर. शी टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिटी, हाउ वुमेन शुड यूज़ हर राइटिंग, कि मतलब वुमेन को किस तरह से अपनी राइटिंग को यूज़ करना चाहिए. एंड बॉडी, एंड साथ ही साथ बोलती हैं कि वुमेन को जो है अपनी राइटिंग और साथ ही साथ अपनी बॉडी का मतलब सोर्स मानकर उनको जो है यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी राइटिंग और उनकी बॉडी वो सोर्स है पावर और इंस्पिरेशन का. शी टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिटी, हाउ वुमेन शुड यूज़ हर राइटिंग एंड बॉडी एज अ सोर्स ऑफ पावर एंड इंस्पिरेशन. वो बोलती हैं, हेलेन सिक्सर्स बोलती हैं कि वुमेन को जो है अपनी राइटिंग और अपना मतलब बॉडी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उनकी पावर और इंस्पिरेशन के लिए. देन टू थिंग्स बाई वुमेन कैन फ्री हरसेल्फ, वो बताती हैं कि दो चीज़ें वुमेन को फ्री कर सकती है उनसे, एक उनकी बॉडी और दूसरा उनकी राइटिंग, कि मतलब राइटिंग के थ्रू जो है वो अवेयरनेस को जो है स्प्रेड कर सकती हैं, अपनी राइटिंग से जो है दूसरों को इंस्पायर कर सकती हैं. सो इस तरह से वो अपने आप को फ्री कर सकती हैं, और वुमेन जो है कलेक्टिवली ग्रुप बनाकर जो है लोगों के मतलब अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ राइटिंग. नाउ शी सेज रिप्रोडक्शन डिज़ायर टू लुक अट्रैक्टिव सेक्शुअली सेटिस्फाई अ मैन ऑल दीज थिंग्स शुड बी कैप्ट असाइड, कि मतलब जो उन जिस वे में उन्हें नर्चर किया जाता है, मतलब बचपन से ही वुमेन को नर्चर किया जाता है, वुमेन एज अ गर्ल चाइल्ड जब होती हैं तो उन्हें नर्चर किया जाता है कि बजाय की हेलेन सिक्सर्स बोलती हैं बजाय की रिप्रोडक्शन के या फिर अट्रैक्टिव दिखने के या फिर लोग मतलब अपने हस्बैंड को सेक्शुअली सेटिस्फाई करने के बजाय उन्हें जो है शी शुड हैव पावर ओवर हर ओन बॉडी, कि उन्हें जो है अपनी बॉडी पर जो है कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बॉडी पर जो है पावर मेंटेन कर रखनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ राइटिंग.
नाउ शी यूजेज लॉजिक ऑफ एंटी लव कि वो मतलब हेलेन सिक्सर्स जो है लॉजिक बताती हैं और वो इस आर्टिकल में यूज़ करती हैं लॉजिक ऑफ एंटी लव. प्लीज़ रिमेंबर दिस. शी यूजेस यानी हेलेन सिक्सर्स जो है इसको यूज़ करती है लॉजिक ऑफ एंटी लव टू डिस्क्राइब हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ वुमेन बाई पैट्रियार्कल फिगर्स. कि मतलब वो इस लॉजिक का यूज़ करती है एंटी लव का ताकि जो है बाकी वुमेंस के अंदर जो है वो अवेयरनेस फैला सके, उन्हें विश्वास दिला सके, उन्हें अंडरस्टैंड करवा सके कि कैसे सिस्टमैटिक वे में मतलब पैट्रियार्कल फिगर्स जो है उन्हें ओप्रेस करते हैं वुमेन को. देन ऑल द वुमेन दे आर नर्चर्ड इन सच अ मैनर दे स्टार्टेड हेटिंग देमसेल्स. कि वुमेन को इस वे में नर्चर किया जाता है कि मतलब वो खुद से ही अब हेट करने लग गई हैं. सेल्फ हेट्रेड ऑफ वुमेन इज़ द लॉजिक ऑफ एंटी लव. प्लीज़ रिमेंबर गाइस कि सेल्फ हेट्रेड मतलब वुमेन अपने आप से हेट करने लग गई है, इसे जो है हेलेन सिक्सर्स बताती हैं लॉजिक ऑफ एंटी लव. देन वी आर ब्रॉट अप इन द सोसाइटी वेयर वी लैक समथिंग वी आर इन्फीरियर. कि वो फिर बताती हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ हम वुमेंस जो हैं कुछ ना कुछ लैक करते हैं जिसकी बजाय हमें टर्म दिया जाता है इन्फीरियर. वुमेन सेल्डम रोट इन हिस्ट्री. कि मतलब वुमेंस ने हमने कभी देखा ही नहीं होगा कि वुमेन ने जो है कुछ हिस्ट्री लिखी है, मतलब उनकी कुछ हिस्ट्री रही होगी. सिंस दे आर डिनाइड सच अ पोजीशन क्योंकि उनको जो है लिखने का मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपनी खुद की एक हिस्ट्री क्रिएट कर सके. मतलब हिस्ट्री में उनके बारे में कुछ मतलब उनको जो है राइटिंग का मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपने बारे में जो है लिख सकें और हिस्ट्री क्रिएट कर सकें. सो ऐसी पोजीशन ही नहीं दी जाती, उन्हें डिनाई किया जाता है लिखने से भी. इफ़ अ वुमेन डिड राइट इट वॉज कंसिडर्ड नॉन सेंस. कि मतलब अगर वुमेन कुछ सही भी करती है तो हेलेन सिक्सर्स बताती है वुमेन को नॉन सेंस यानी जिब्रिश समझा जाता है. हर वर्क वॉज डिस्कार्डेड. कि अगर वो कुछ लिखना भी चाहे तो उसके वर्क को जो है इग्नोर किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है, जैसे कचरे मतलब कुछ जैसे कचरा नहीं होता वैसे फेंक दिया जाता है वो समझकर. कि हर वर्क वॉज डिस्कार्डेड अगेन एंड अगेन. कि बार बार अगर वो कुछ प्रोड्यूस करने की भी सोचती है तो उसके वर्क को ही डिस्कार्ड किया जाता है. शी वॉज कंसिडर्ड अ नॉन सेंस. कि उसे नॉन सेंस उसकी राइटिंग्स को जो है एज अ सीरियसली लिया ही नहीं जाता, उनकी राइटिंग्स को समझा जाता है ये सब नॉन सेंस है, जिब्रिश है. शी डिसाइडेड नॉट टू राइट इट एनी मोर. और फिर वो ऐसा सुन के क्या करती हैं कि वो सोचती हैं कि अब वो मतलब जब लोगों से मतलब वो इतने क्रिटिसिज्म सुन लेती है, बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, तो फिर जो उनकी कैपेसिटी होती है अच्छा वर्क क्रिएट करने की वो फिर मतलब उसको फिर वो आगे परस्यू नहीं करना चाहती. शी डिसाइडेड और फिर वो डिसाइड करती है कि वो ना लिखें. देन वुमेन नीड टू स्टार्ट राइटिंग फॉर देयर ओन एंड नॉट फॉर द ऑडियंस. कि वो बताती हैं हेलेन सिक्सर्स बताती हैं कि एक वुमेन को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लिखना चाहिए, ना कि ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए. द वुमेन क्रिएटेड एंड रिटन बाई वुमेन विल हैव अ लॉट मोर इम्पैक्ट. फिर हेलेन सिक्सर्स बताती हैं कि अगर वुमेन राइटर वुमेन के बारे में ही लिखेंगी सो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बजाय कि मैन जिन वुमेन को क्रिएट करके मतलब बजाय कि मैन जो होते हैं जिन वुमेन को अपने वर्क्स में क्रिएट करते हैं तो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी आईज से वुमेन को जो है डिपिक्ट करते हैं. बट अगर वो कहती हैं कि अगर वुमेन दूसरी वुमेन के बारे में लिखेंगी तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. देन अ मैन कैन नेवर फील लाइक अ वुमेन. सो इट इज़ ट्रू दैट अ मैन कैन नेवर फील लाइक अ वुमेन. कि मैन जो है वुमेन के मतलब सफरिंग्स को जो है या फिर उनकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं सकता. अ बुक रिटन बाय अ मैन एंड अ बुक रिटन बाय अ वुमेन विल बी वेरी डिफरेंट. फिर वो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सॉर्ट ऑफ क्रिएट करती हैं हेलेन सिक्सर्स कि जो बुक मैन द्वारा लिखी गई है और जो बुक वुमेन द्वारा लिखी गई है वो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी. बिकॉज द वे वुमेन कैन राइट अबाउट अ वुमेन इज़ अ वे डिफरेंट देन अ वे मैन कैन राइट अबाउट वुमेन. कि वो बताती हैं कि जिस तरह से वुमेन दूसरी वुमेन के बारे में लिखेगी बहुत अलग होगा,
बहुत ज़्यादा अलग होगा, मतलब कि मतलब बिकॉज द वे वुमेन कैन राइट अबाउट अ वुमेन, कि एक वुमेन जो है वो मतलब अच्छे ढंग से जो है दूसरी वुमेन्स के बारे में जो है एक्सप्रेस करने में कामयाब रहेगी, बजाय कि मैन जो कि उन वो मैन जो मतलब अपनी मतलब अपनी आईज से वुमेन को देखकर जो है डिपिक्ट करते हैं, तो उन दोनों की राइटिंग्स में बहुत डिफरेंट होगा, मतलब उनके थॉट्स और इंटरप्रिटेशन में काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि एक वुमेन जो है वो फील कर सकती है दूसरी वुमेन के पेन को कि उनके साथ क्या बीत रही है, और उसके बजाय अगर वही चीज़ मैन लिखेंगे तो वो इतने बेटर वे में जो है वुमेन को नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसलिए हेलेन सिक्सस लिखती हैं कि अ बुक रिटन बाय अ मैन एंड अ बुक रिटन बाय अ वुमेन विल बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज द वे वुमेन कैन राइट अबाउट अ वुमेन इज अ वे डिफरेंट देन अ वे मैन कैन राइट अबाउट वुमेन, कि जिस तरह से मैन वुमेन पे लिखेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा। सो अ मैन इज़ नॉट अ वुमेन, वो कहती हैं कि एक आदमी कभी वुमेन नहीं हो सकता, सो हाउ ही कैन राइट अबाउट, हाउ ही कैन अंडरस्टैंड, सो वो कैसे लिख सकते हैं वुमेन के बारे में बिना उन्हें अंडरस्टैंड किए, हाउ ही कैन राइट अंडरस्टैंड अ वुमेन वेन थ्रू इन सच अ पोजिशन, कि मतलब वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वुमेन जो है इस पोजिशन से मतलब रही होंगी इस पोजिशन में। सो वो बताती हैं कि बहुत डिफरेंट होता है वुमेन का लिखने का तरीका दूसरी वुमेन के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, और बहुत डिफरेंट होता है वो तरीका मतलब मैन जिस तरह से वुमेन को पोर्ट्रे करते हैं। सो अ वुमेन कैन रियली वेल एसोशिएट हरसेल्फ टू द फिक्शनल वुमेन, कि एक वुमेन को जो है अपने आप को फिक्शनल वुमेन की तरह एसोशिएट करना चाहिए, शी इज़ क्रिएटिंग, कि मतलब जो भी वुमेन अगर एक कोई वर्क लिख रही है तो वो अपने आप को जो है एसोशिएट करे उस वुमेन मतलब फिक्शनल वुमेन करेक्टर के थ्रू जो उसने क्रिएट किया है टेक्स्ट में, एंड देयरफॉर शी इज़ एबल टू डू जस्टिस विद द करेक्टर, एंड उस हिसाब से अगर एक वुमेन जो है अब एक कोई टेक्स्ट को मतलब क्रिएट कर रही है सो उन्हें जो है एक ऐसी फीमेल करेक्टर को जो है दिखाना चाहिए जो कि पूरी तरह से उनको एसोशिएट कर सके, उस वुमेन राइटर को एसोशिएट कर सके, इस हिसाब से क्या होगा वो जस्टिस कर रही हैं अपने करेक्टर के साथ। देन वुमेन राइट फिक्शन इन टू वेज, फिर वो बताती हैं कि वुमेन का फिक्शन लिखने का तरीका दो तरीके से लिखती हैं, एक हिस्टोरिकल लेवल पे, दूसरा पर्सनल लेवल पे। ऑन अ पर्सनल लेवल वुमेन विल रिटर्न टू हर बॉडी टू फील कंफर्टेबल, कि पर्सनल लेवल पे वुमेन जो है मतलब अपनी बॉडी पर मतलब अपनी बॉडी के बारे में बताएंगी जिनसे उन्हें कंफर्टेबल फील होगा। अ फीमेल बॉडी वॉज लुक्ड बाय मैन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, कि मतलब आप देखोगे वो राइटिंग्स में अगर मैन लिखते हैं फीमेल बॉडी के बारे में वो बहुत डिफरेंट होगा, उनको डिपिक्ट करना मैन द्वारा फीमेल बॉडी को डिपिक्ट करना बहुत डिफरेंट होगा। अ फीमेल बॉडी वॉज लुक्ड बाय अ मैन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, कि मतलब मैन जो है अगर फीमेल बॉडी के बारे में लिखते हैं वर्क में तो वो उनको जो है ऑब्जेक्ट की नज़रों से देखकर देखेंगे, दे वर लुकिंग एट अ फीमेल, कि मतलब उन्हें जो है ऑब्जेक्ट की नज़रों से देखा जाएगा फीमेल्स को। When you write a text on a personal level, you will be able to write about your own body. कि मतलब कि अगर आप एक फीमेल जो है पर्सनल लेवल पर जाकर एक टेक्स्ट को लिखती है तो मतलब क्या होता है कि वो जो है अपनी बॉडी के बारे में बता रही हैं। You will be able to write your own body about your own body, कि वो अगर फीमेल जो है पर्सनल लेवल पे जाकर अपने खुद का एक टेक्स्ट क्रिएट करती है तो वो जो है अपनी बॉडी के बारे में लिख सकती है इन अ वे, मतलब वो बता सकती है वो किस वे मतलब वो अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बता सकती है, बहुत कंफर्टेबल वे में बता सकती हैं। इफ़ यू आर सेंसरिंग वुमेन राइटिंग यू आर सेंसरिंग फीमेल बॉडी, कि आप एक वुमेन राइटिंग को दिखा रहे हैं एक वुमेन राइटिंग को लिख कर फीमेल को पोर्ट्रे कर रही है तो वो साथ ही साथ फीमेल बॉडी को भी पोर्ट्रे कर रही है। फिर से बताना चाहूँगी कि अगर एक वुमेन दूसरी मतलब फिक्शनल करेक्टर बनाकर लिख रही है वुमेन के ही बारे में तो वो जो है
वुमेन के, सिर्फ वुमेन के बारे में नहीं लिख रही, साथ ही साथ वो फीमेल बॉडी के बारे में भी लिख रही हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्सस, अ वुमेन शुड फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट, कि मतलब सिक्सस बोलती हैं कि वुमेन को जो है अपने गिल्ट से फ्री हो जाना चाहिए, शर्म जो आती है उनको उससे फ्री हो जाना चाहिए। एंड शी शुड स्टार्ट राइटिंग, कि मतलब वो एनकरेज कर रही है वुमेन्स को कि उन्हें जो है लिखना शुरू कर देना चाहिए अपने बारे में और पर्सनल लेवल पे। देन ऑन अ पर्सनल लेवल अ वुमेन्स राइटिंग मेक्स हर एक्टिव एंट्रेंस इन टू द हिस्ट्री एज एन एजेंट, कि वो बताती हैं अगर वुमेन ने पर्सनल लेवल पर आकर लिखना शुरू कर दिया तो उनकी जो है एक्टिव वे में जो है एंट्री हो जाएगी राइटिंग के फील्ड में, एंड उन्हें बोला मतलब वो हिस्ट्री की जो है एक्टिव एजेंट बन जाएंगी। देन प्लीज़ रिमेंबर फ्रेंड्स कि उन्होंने जो है एक टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम है एक्रिट्यूर फेमिनाइन। सो प्लीज़ ये UGC नेट में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इन्होंने, हेलेन सिक्सस ने एक टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम है एक्रिट्यूर फेमिनाइन। इसका मतलब क्या होता है, विच रेफर्स टू यूनिकली फेमिनाइन स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि ये जो एक्रिट्यूर फेमिनाइन है ये बहुत यूनिक है, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिससे जो है वुमेन मतलब यूनिक वे में जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। और इस ये हम एक्रिट्यूर फेमिनाइन को कैसे मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इन राइटिंग्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस होते हैं, गैप्स होते हैं, काफ़ी आपने देखा होगा कि मतलब ब्लैंक पेज छोड़ दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस होते हैं, मतलब वो उनके डिसरप्शंस का मतलब है वो उनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी को बताता है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंसेस होते हैं, पन्स होते हैं। सो एक्रिट्यूर फेमिनाइन एक तरह की स्टाइल है राइटिंग की जो कि फीमेल द्वारा लिखी गई है, और जिस मतलब इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस होते हैं, गैप्स होते हैं, साइलेंसेस होते हैं, पन्स होते हैं। वी कैन नोटिस द डिफरेंस शुड बी देयर इन अ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन राइटिंग। और इस एक्रिट्यूर फेमिनाइन राइटिंग के थ्रू ये भी पॉसिबल हो जाता है कि हम लोग डिफरेंस जो है मतलब सामने देख सकते हैं कि एक मैस्कुलिन के क्रिएट करे हुए टेक्स्ट में और एक फेमिनाइन वे से टेक्स्ट को क्रिएट किए हुए में कितना डिफरेंस होता है। यूनिक स्टाइल ऑफ फेमिनाइन राइटिंग इज एक्रिट्यूर फेमिनाइन, कि मतलब यूनिक वे से लिखना फीमेल को यूनिक वे से, यूनिक स्टाइल से लिखना, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्रिट्यूर फेमिनाइन या फिर फेमिनिज्म। सो और अगर कोई वुमेन जो है एक्रिट्यूर वे से स्टाइल ऑफ राइटिंग से लिखती है तो उसकी पोइट्री में क्या क्या होगा, कि मतलब अलग अलग अजीब अजीब इमेजेस होगी, ब्रेक्स होंगे बीच बीच पोएम के, बीच में ब्रेक्स होंगे, पॉजेज होंगे, और साथ ही साथ गैप से भरा हुआ होगा, साइलेंस होगा, और मतलब और उसमें उस लैंग्वेज का यूज़ किया गया होगा जिसमें मेल डिक्शनरी मतलब उसमें ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया गया होगा जिसमें जो है कोई भी लैंग्वेज जो है मेल डिक्शनरी से बोरो की नहीं हुई होगी। सो इट इज़ इनकॉम्प्रीहेंसिबल एंड इनकंसिस्टेंट, कि ऐसी टाइप की राइटिंग जो होती है एक्रिट्यूर टाइप की राइटिंग, ये इनकॉम्प्रीहेंसिबल होती है, मतलब इसे जो है इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा मेंटल इनकंसिस्टेंसी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभार ब्रेक्स होते हैं, पॉजेज होते हैं, तो ऐसे वे में क्या होता है मतलब इंसान जो है रीडर उसे ढंग से समझ नहीं पाता। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब वो हेलेन सिक्सस बताती हैं कि एक्रिट्यूर फेमिनाइन राइटिंग का कैसे मतलब ओरिजिन हुआ, जन्म हुआ। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मदर स्टेज, कि ये मतलब मदर स्टेज से ओरिजिनेट हुई है। देर इज़ अ स्टेज इन चाइल्ड व्हेन मदर एंड चिल्ड्रन आर एसोसिएटेड वेरी क्लोजली, एंड फिर ये मतलब वो बताती हैं कि एक ऐसी स्टेज होती है चाइल्ड की लाइफ में जिससे जो है चाइल्ड अपनी माँ से जो है काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फील करता है अपनी माँ के, और ये बचपन में होती है 0 से 6 मंथ्स के बीच में। एंड व्हेन वी हैव नॉट एंटर्ड इन द, मतलब ये तब स्टेज होती है जब हम जो है मतलब बाहर की दुनिया मेल सेंटर वर्ल्ड में जब हम एंटर नहीं करते, तभी ये जो है स्टेज की शुरुआत होती है, मतलब बचपन में बच्चा जो है पैदा होता है तो वो अपनी माँ को जो है काफ़ी क्लोज़ फील करता है,
और उस टाइम क्या होता है, बच्चा जो है मेल सेंटर्ड वर्ल्ड में एंटर नहीं होता. सो देर इज़ नो डोमिनेंस ऑफ मेल सेंटर्ड वर्बल लैंग्वेज. कि मतलब उस टाइम पे क्या होता है, मतलब इस एक्रिटिव फेमिनाइन राइटिंग को जो है वो मदर की स्टेज से एसोसिएट कर रही हैं और फिर बताती हैं कि इस स्टेज में जो है कोई मेल सेंटर्ड वर्बल लैंग्वेज का डोमिनेंस नहीं होता 0 से 6 मंथ्स में, जब चाइल्ड बहुत छोटा होता है. सो फीमेल वोकेबलरी इज़ प्री लिंग्विस्टिक. वो बताती हैं कि फीमेल वोकेबलरी प्री लिंग्विस्टिक है, अनकॉन्शियस है. And when you look at the literary text, it will manifest itself by way of कि अब मतलब फीमेल वोकेबलरी को बताती हैं कि वो प्री लिंग्विस्ट एकदम अनकॉन्शियस है. मतलब इंस्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है फीमेल की वोकेबलरी में. और जब आप लिटरेरी टेक्स्ट देखते हो तो आपको मतलब मतलब एकदम डायरेक्ट वे में आपको पता चल जाता है कि सच में फीमेल वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा जो है इंस्टेबिलिटीज़ है. वो कैसे एक्सप्रेस करती है, विद द वे ऑफ रिप्रेशन. बार बार वो जो है पास्ट को याद करती रहती है, बार बार अपने जो पास्ट का ट्रॉमा है उनको याद करती रहती है. सो सबवर्जन भी है उनकी राइटिंग्स में. देन मेल लैंग्वेज इज डोमिनेटेड बाय कोहेरेंस लॉजिकल लैंग्वेज. कि मेल लैंग्वेज में जो है बहुत ज़्यादा कोहेरेंस होगा, लॉजिक होगा. देन फीमेल लैंग्वेज इज मोर जॉयस, फ्री प्ले ऑफ मीनिंग. कि फीमेल लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा जॉयस है, उसमें फ्री प्ले ऑफ मीनिंग भी है. इट इज़ फ्लूइड इनकॉम्प्रीहेंसिबल इनकन्सिस्टेंस. कि मतलब मतलब फीमेल की जब वो बताती हैं कि फीमेल की लैंग्वेज जो होती है लिटरेरी टेक्स्ट में कैसी होती है, बहुत जॉयस वे में लिखती हैं, कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती, और उसमें जो है मीनिंग्स जो है मतलब काफ़ी फ्री प्ले में घूमते हैं, यानी मीनिंग्स जो है समझ ही नहीं आते, काफ़ी फ्लूइड होती है, फ्री फ्लो इमोशन में कुछ भी मतलब, क्योंकि वो उनके इमोशन से ली गई होती है तो वो कुछ भी मतलब लिख देती हैं. और वो साथ ही साथ उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पॉजेज होते हैं, पंस होते हैं, साइलेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से जो है रीडर्स उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते. और बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से जो है इनकन्सिस्टेंसी रहती है इनको रीड करने में. सो देर इज़ ब्रेक्स, पॉजेज, नॉट हैव कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इमेजेस. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर फीमेल राइटर टू राइट देयर ओन बॉडी. बट फिर भी वो बोलती हैं हेलेन सिक्सस की फिर भी पॉसिबिलिटी है कि फीमेल राइट मतलब राइटर को जो है अपनी बॉडी के बारे में लिखना शुरू कर देना चाहिए, बाय यूजिंग अ फेमिनाइन लैंग्वेज के थ्रू जो है उन्हें लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए. दे यूज़ लैंग्वेज विच इज़ नॉट बोरोड फ्रॉम द मेल कल्चर. एंड फिर वो जो फीमेल जो मतलब फीमेल जो है उन लैंग्वेज को यूज़ करें जिसमें जो है वर्ड्स मेल लैंग्वेज की डिक्शनरी से बोरो किए गए ना हो. मेल राइटर्स टू आर यूजिंग सच. वो बताती हैं कि मेल राइटर्स भी जो है अब एक्रीट्यूड लैंग्वेज का यूज़ करने लग गए. और फिर वो एग्जांपल्स बताती हैं कि जैसे जेम्स जॉयस, जीन जेनेट, ये सारे जो है एक्रीट्यूड लैंग्वेज का को फॉलो करने लग गए. सो रेडिकल फेमिनिस्ट हेलेन सिक्सस दे आर मतलब ये हेलेन सिक्सस जो थी ये रेडिकल फेमिनिस्ट थी. एंड रेडिकल फेमिनिस्ट कौन होते हैं, दे आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट. कि इनमें जो है फेमिनिज्म की एक्सट्रीमिटी भरी हुई होती है. दे बिलीव दैट फीमेल नीड्स टू बी रिबेल. ये बिलीव करते हैं कि मतलब रेडिकल फेमिनिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि फीमेल्स को मतलब एनकरेज करते हैं कि उन्हें जो है मेल्स के अगेंस्ट रिबेल करना चाहिए और साथ ही साथ डिमांड करनी चाहिए उनके मतलब फीमेल के शेयर की सोसाइटी में. देन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू क्वेश्चंस विच have come in the past years in UGC NET. So first is a mode of textual production not necessarily written by women. Answer is James Joyce, an example of accretive feminine. Now path breaking feminist essay written in 1970s in which he used hybrid terms like sex key of moss. इट इज़ एक्रीट्यूर फेमिनाइन. सेक्स की ऑफ मॉस का मतलब क्या होता है, इट इज़ एक्रीट्यूर फेमिनाइन. सो ये कौन सा ऐसे था, लाफ ऑफ मेड्यूसा. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम द ऑथर हु इज़ पोर्ट्रेइंग फीमेल करेक्टर्स इन सच अ वे एज इफ लाइक अ फीमेल इज़ राइटिंग. सो एन इंटरप्ले ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन लैंग्वेज. सो उन ऑथर का क्या नाम है, हेलेन सिक्सस. सो इसी के साथ लेक्चर एंड होता है.
अगर फ्रेंड्स आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स.